ये देखिए मारुति सुजुकी इको का इंजन है। तो अभी इसकी हम टाइमिंग मिलाने जा रहे हैं, इंजन टाइमिंग। तो इसके टाइमिंग के मार्क दिखा दें आपको कहां कहां पर होते हैं, ठीक है, इंजन टाइमिंग के मार्क। तो ये जो इंजन टाइमिंग का मार्क है करंट का, जो हल्का सा आई का निशान बना है, ठीक है, वो इस तीर के निशान पर रहेगा, देख सकते हो, ये वाला तीर के निशान पर रहेगा, जो आई का निशान है, ठीक है, जस्ट इसके सामने रहेगा। एक करंट की टाइमिंग हो गई, ठीक है। इसका रजिस्टर बेयरिंग है, ठीक, रजिस्टर बेयरिंग है इसका। तो इसका रजिस्टर है, ठीक है, इसमें 12 नंबर का बोल्ट लगता है और इसमें एक ही रजिस्टरिंग की लॉक लगती है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्प्रिंग है जो इसमें फंसता है इसमें, ठीक है, इसका रजिस्टर हो गया। तो बेल्ट को टाइट करके रखता है। और ये कैम की आपको दिखा दें, कैम की टाइमिंग, तो देख सकते हो ये जो आई जो निशान है, हल्का सा डॉट दिख रहा है, यहाँ पर भी डॉट है एक, वो इस टेप्ड कवर पे रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर इसकी इंजन टाइमिंग हो गई है, वो कैम टाइमिंग हो गई, सॉरी, तो इसकी कैम टाइमिंग हो गई यहाँ पर, देख सकते हो इस प्रकार से। तो ये डॉट, दो डॉट होते हैं इसमें, एक ये डॉट है और एक ऊपर डॉट है, ठीक है। तो ये डॉट इस डॉट पे रहते हैं, कैम की टाइमिंग हो गई। तो इसकी अब हम टाइमिंग बेल्ट चढ़ाने जा रहे हैं, टाइमिंग बेल्ट चढ़ा के फिर अभी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, इसकी टाइमिंग। ये देखिए मैंने इसकी टाइमिंग मिला दी है, बेल्ट लगा दी है, ठीक है। तो टाइमिंग के मार्क बिल्कुल जस्ट सामने सामने हैं, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, जस्ट इसके आई के निशान पे है, तीर के निशान पे आई का निशान, ठीक है, जस्ट, ठीक है। और ये वाला भी निशान जस्ट इस डॉट पे, ठीक है। तो टेप्ड कवर भी मैंने इसके ऐसे लगाया, टेप्ड अभी मिलाई नहीं है, तो ऐसे ही लगा रखा है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल जस्ट इसके सामने ही है। तो करंट की टाइमिंग हो गई, देख सकते हो आप, ठीक है। तो कैम की आपको दिखा दें, ये रजिस्टर बेयरिंग भी है, अभी लूज है, मैंने टाइट नहीं करी बेल्ट, ठीक है, अभी टाइट कर देंगे, तब आपको फिर से एक बार चेक करा देंगे, ठीक। तो कैम के दिखा दें आपको, देखिए ये वाला डॉट जो था वो वहीं पर है, ये वाला डॉट वहीं पर भी है और जस्ट इसके सामने टाइमिंग हो गई, देख सकते हो, ठीक है। ये इसकी कैम टाइमिंग हो गई और इसकी इंजन टाइमिंग, करंट टाइमिंग हो गई और ये पूरी इंजन टाइमिंग हो गई, ठीक है, ये पूरी इंजन टाइमिंग हो गई, ठीक है। अब इसको हम एडजस्टिंग को इसको टाइट कर देंगे, फिर अभी आपको दिखा देंगे एक बार फिर से, ठीक है, एडजस्टिंग टाइट करके फिर अभी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए मैंने इसकी एडजस्टिंग कर दी है, तो एडजस्टिंग होगी, ओके, बेल्ट भी देखो हमने टाइट कर दी है और ये बीच में बिल्कुल कर दिया, ठीक, 12 नंबर से इसकी एडजस्टिंग हो गई है। तो ये हो गई इसकी इंजन टाइमिंग, देख सकते हो, या बार एक बार आपको फिर से दिखा दें, तो देख सकते हो ये जो किरण का है आई का निशान, वो इस तीर के निशान पर रहता है, ठीक, जस्ट, ठीक है। और यहाँ से आ जाओ फिर इसमें कैम में देख लो आकर, ये जो कैम का निशान है जस्ट इस पर, इसके टेपिट कवर के कट पे रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ये हो गई कैम टाइमिंग और ये हो गई इंजन टाइमिंग। और कैम में एक वो होता है काटर टाइम में, तो वो कैम में फंस जाता है, ठीक है, तो वो नीचे के टाइम में रहता है, ठीक। ये वाला एक डॉट इस पर होता है लेकिन टाइमिंग इस पर बनती है, ठीक है, देखिए इसका निशान भी है, तो टाइमिंग इस पर बनती है इस बारे पर। तो देख सकते हो ये इसकी हो गई इंजन टाइमिंग। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।